अपनी व्यवस्थाओं यानी खास करके हेल्थ व्यवस्था, मेडिकल एजुकेशन की व्यवस्थाएं, इस पर भरोसा रखें, किसी प्रकार की शंका न करें। 12,000-15,000 रुपया संस्कार का ले रहे हैं लोग, यमुना में फेंक रहे हैं लाशें, यमुना में फेंकने की बजाय के घरों के आगे फेंके। बहुत जगह पर, बहुत गांव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहां के लोग लगातार धरणों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके कारण से ये कठिनाई आई है। 1.5 लाख आबादी कुंडली गांव की है, एक भी आदमी कुंडली गांव में अभी तक कोरोना से नहीं मरा। मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जैसे पवित्र कार्य पर भी अगर अपनी शंकाएं करनी शुरू कर दी तो ये एक बहुत ही मैं कहता हूँ छोटी सोच होगी। गैस का सिलेंडर 25,000 रुपए का, ऑक्सीजन का डूब के नहीं मरा जाता इस सरकार से। बहुत जगह पर, बहुत गांव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहां के लोग लगातार धरणों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके कारण से ये कठिनाई आई है। 1.5 लाख आबादी कुंडली गांव की है, एक भी आदमी कुंडली गांव में अभी तक कोरोना से नहीं मरा। धरणों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है, बहुत जगह पर, बहुत गांव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहां के लोग लगातार धरणों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके कारण से ये कठिनाई आई है। इन्होंने बयान दिया है कि किसानों की वजह से कोरोना फैल रहा है, हमें पता था ये बयान देंगे, इनकी नीयत पर हमें पता था कि ये बयान देंगे। जैसे तबलीगियों को इन्होंने बदनाम किया था, ऐसे ही ये किसानों को बदनाम करेंगे, ये हमें पता था पहले से। तो इस आंदोलन को लेकर के इतना बड़ा एक सरकार के साथ विरोध का एक वातावरण बनाए हुए थे, उनसे मैंने पिछले एक महीना पहले अपील की थी कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है इसका फैलाव ना हो, एक बार ही धरने समाप्त करने चाहिए। चौटाला गांव से चार MLA है, आज तक चौटाला गांव में ये स्प्रे नहीं करवा पाए, आज तक चौटाला गांव को सैनिटाइज नहीं कर पाए। बता रहे हैं, सुनिए कि चौटाला गांव में काफी डेथें हो रही हैं। राजनीतिक तौर पर शंकाएं एक दूसरे पर हो सकती हैं, लेकिन हमने मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जैसे पवित्र कार्य पर भी अगर अपनी शंकाएं करनी शुरू कर दी तो ये एक बहुत ही मैं कहता हूँ छोटी सोच होगी। गैस का सिलेंडर 25,000 रुपए का, ऑक्सीजन का डूब के नहीं मरा जाता इस सरकार से। 1 करोड़ में एक प्रोजेक्ट लग जाता है, 1 हफ्ते में लग जाता है। ये प्रधानमंत्री की एडवर्टाइजमेंट पे रोजाना 3 करोड़ खर्च है, 3 प्लांट गैस के रोजाना उसी पैसे में लग सकते हैं। 1 साल से इनके पास गैस का इंतजाम नहीं हुआ। अपनी व्यवस्थाओं यानी खास करके हेल्थ व्यवस्था, मेडिकल एजुकेशन की व्यवस्थाएं, इस पर भरोसा रखें, किसी प्रकार की शंका न करें। 12,000-15,000 रुपया संस्कार का ले रहे हैं लोग, यमुना में फेंक रहे हैं लाशें, यमुना में फेंकने की बजाय के घरों के आगे फेंके। तो इस सोच से ऊपर उठ करके हम अभी सभी किसान बंधु जो धरनों पर बैठे वो अपने टेस्ट जरूर कराएं, ये मेरी ओर से अपील है। ये अफवाहें फैला के इस धरने को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं धरने पे परमात्मा की दया है, हम कुंडली गांव में धरना दे रहे हैं। 1.5 लाख आबादी कुंडली गांव की है, एक भी आदमी कुंडली गांव में अभी तक कोरोना से नहीं मरा, और ये कहते हैं कोरोना फैला दिया। हम सारे कुंडली गांव में बैठे हैं, सारे कुंडली गांव में रोज आ जा रहे हैं, वो लोग यहां से गुजर रहे हैं, एक भी आदमी कुंडली गांव में नहीं मरा। दुख तो ना घबराओ, सानू फोन लगाओ। गुरु अजमेरी बाबा जी। MBA करन तो बाद नौकरी दी लई मैं इधर उधर बहुत तके रहा, पर मेरी किते भी कोई गल नहीं हुई। फिर एक दिन मैनू मेरे यार दोस्त ने बाबा जी बारे दस्या। फिर मैं बाबा जी को ले गया। बाबा जी दी ऐसी मेहर, उन्होंने तो मेरी अखा ही खोल दी। अज देखो मैं नौकरी नहीं अपना बिजनेस कर रहा। धन्यवाद बाबा जी। काले इलम दा कुछ घंटिया च ही समाधान गारंटी दे नाल, हर इलम दे माहिर। मैं अपनी लव मैरिज लेके बहुत परेशान सी, बहुत जगह जगह घूमी पर कोई समाधान नहीं मिलिया। फिर मेनू किसी ने बाबा जी दे बारे दस्या। मैं बाबा जी दे दरबार गई। बाबा जी ने तो कुछ घंटिया विच ही मेरी सारी समस्या दा समाधान कर दिता। मेरा विआह उत्थे पक्का हो गया जिथे मैं चाहती सी। मैं दिलों धन्यवाद करदी हां बाबा जी। जिस तरह नौकरी, कारोबार, विदेश यात्रा, ग्रह क्लेश, लव मैरिज समस्या, जादू टोना कीता कराया, सौंकण दुश्मन दा सर्वनाश करवाओ, ओ भी घर बैठे। वशीकरण मुटकरनी दे सुपर स्पेशलिस्ट। मेरा हमेशा घर विच लड़ाई झगड़ा चलदा रहंदा सी। मेरी घरवाली सोचदी सी कि मेरा किसी होर नाल चक्कर चल रहा है। मैं बहुत परेशान रहन लगा। एक दिन मैं बाबा जी दे दरबार चला गया ते बाबा जी ने मैनू छोटा जिहा उपाय दस्या। उस उपाय दे नाल मेरी जिंदगी खुशहाल रहन लगी। धन्यवाद बाबा जी। अज ही मिलो गुरु अजमेरी बाबा जी नूं, जिन्हां दा मोबाइल नंबर है 9815460154 लुधियाना।